हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग ट्यूशन वाला भैया। तो हम लोग जो है कि नेटवर्क को पढ़ रहे थे। नेटवर्क को पढ़ने के लिए उसके बाद हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज किया था, उसका कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन को बनाने के बाद उसका थ्योरी को भी पढ़ा था। आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू नेटवर्किंग से रिलेटेड लेकर के आया है, इसको हम लोग इग्नोर मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया सेशन कुछ एमसीक्यू के साथ। तो पहला सवाल आपके सामने ये है कि IPv4 एड्रेस इज, ये क्या है सर? आपने पढ़ाया ही नहीं IPv4 क्या है, इसीलिए तो सवाल लाए हैं ना, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही देना है। तो बस आपको मैंने पढ़ाया है, ध्यान दीजिए कि IP एड्रेस तो पढ़ाया है ना, आईपी एड्रेस तो पढ़ाया है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ये तो पढ़ाया है। इसका दो वर्जन है, एक को बोलते हैं IPv4, V4 का मतलब वर्जन 4, और एक है IPv6। ठीक है, IPv4 और IPv6 क्यों आया सर, ऐसा क्यों है सर, मेरा मोबाइल में IPv4 है ना IPv6 है सर, ये सारा जानकारी पाने के लिए चैनल में बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में ये सब चीज़ के बारे में डिटेल आपको मिलेगी। फिलहाल सवाल है हमारा IPv4 का, तो मैं आपको बता दूं हल्का जानकारी, ये 32 बिट्स का होता है सर, और IPv6 जो होता है 128 बिट्स का होता है सर। ठीक है, अब कैसे आया, बनाया गया, जरूरत पड़ा, जरूरत के साथ साथ इंसान आगे बढ़ता है ना, है ना। तो लिमिटेशंस था इसका कुछ, कि कुछ ही नंबर तक सीमित हो गया, उतना ही एड्रेस ये दे पाया, इस वजह से जो है नेक्स्ट एक वर्जन लाना पड़ा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल IPv4 एड्रेस इज 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, याद हो जाना चाहिए डायरेक्ट। ये होता है भैया 32 बिट्स का, किसका होता है 32 बिट्स होता है इसका। ठीक है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, क्लासेस क्या है नहीं है, ठीक है, आने वाले क्लासेस। अभी क्लियर हो गया ना IPv4 का मतलब क्या हो गया, IP वर्जन 4। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट डज राउटर डू इन अ नेटवर्क। राउटर क्या होता है, मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया है कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन राउटर स्पेशली क्या काम करता है, ऑप्शन को देखिए, फॉरवर्ड अ पैकेट टू ऑल आउटगोइंग लिंक्स, क्या करता है। अच्छा, TCP का काम क्या है, TCP/IP जो है हर ट्रांसमिशन में अपना रोल प्ले करता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो TCP क्या करता है, जब हम लोगों के पास से डाटा निकलता है, अपना डिवाइस से डाटा निकला, किसी को सेंड कर रहे हैं, तो पैकेट्स में जो है टूट जाता है, वही पैकेट्स को क्या करता है, बोल रहा है ऑप्शन कि फॉरवर्ड अ पैकेट टू ऑल आउटगोइंग लिंक्स, मैंने भेज रहे हैं तो मेरे मोबाइल से निकलने के बाद सबके मोबाइल में चला जाता है, राउटर का ये काम है। अगर मान लीजिए एक नेटवर्क बनाए हैं हम राउटर से के मदद से, तो मैंने भेजा, फॉरवर्ड किया कि भाई विकास मैं तुमको भेज रहा हूं, फॉरवर्ड कर दिया, विकास के साथ साथ और भी सभी लोगों को चला जाता है क्या, राउटर का ये काम है, ऐसा नहीं है। उसके बाद फॉरवर्ड अ पैकेट टू द नेक्स्ट फ्री आउटगोइंग लिंक, मतलब उस राउटर में अगर कोई कनेक्टेड है तो सीधा चला गया। इस पहले वाला ऑप्शन का मतलब था कि राउटर में कनेक्टेड हो चाहे ना हो, उस रडार में है अगर तो चला गया, इसमें बोलने का मतलब राउटर में कनेक्टेड है, ठीक है, आपको भी पासवर्ड मालूम है, उसको भी पासवर्ड मालूम है, कनेक्ट है तो सीधा सीधी चला जाएगा उसके पास डाटा, ऐसा भी नहीं होता है। डिटरमाइंस ऑन विच आउटिंग लिंक या आउटगोइंग लिंक अ पैकेट इज टू बी फॉरवर्डेड, मतलब को समझिए क्या बोल रहा है, डिटरमाइंस ऑन विच आउटिंग लिंक अ पैकेट इज टू बी फॉरवर्डेड, राउटर का यही काम है। राउटर का काम क्या है, रूट डिसाइड करना, ध्यान रखिएगा, क्या बोले, रूट डिसाइड करना, पाथ डिसाइड करना, मतलब क्या, ये डिटरमाइन करता है कि आप जो डाटा को इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं किसको सेंड कर रहे हैं, एक रिसीवर जो उसे रिसीव करेगा उसका कोई एड्रेस है, उस एड्रेस को पता करना राउटर का काम है, कि आप जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस को पता करना राउटर का काम है। अब एड्रेस का जहां तक बात है तो दो एड्रेसेस आती है भाई, इंटरनेट की दुनिया में जो एड्रेस का बात करते हैं उसे आईपी एड्रेस कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। एक और एड्रेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के बारे में, वो फिजिकल एड्रेस होता है, एक सवाल भी आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हम लोग कराए थे। ठीक है, उस वो
भी हम लोग पढ़ाएंगे। तो वो एड्रेस को पता करना, मैंने याद रखिएगा, राउटर नाम से ही पता चल रहा है कि रूट को डिसाइड करता है, ये डिटरमाइन करता है कि जो आप भेजे हैं वो किसको भेज रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, डिटरमाइंस ऑन विच आउटिंग लिंक अ पैकेट इज टू बी फॉरवर्डेड, किसको फॉरवर्ड आप कर रहे हैं, किसको भेजना वो डाटा, ये रूट डिसाइड करता है राउटर। गॉट इट, राउटर का ये काम। उसके बाद सवाल है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स रिलायबल कम्युनिकेशन, रिलायबल समझ रहे हैं, विश्वसनीय, विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर ऐसे बोलिए कि विच इज योर रिलायबल एजुकेटर, या फिर यूट्यूब चैनल टू स्टडी और टू क्रैक CGL। तो आप लोग रिलायबल का अर्थ क्या समझते हैं? मैं समझता हूं विश्वसनीय। विश्वसनीय वो होता है जो रिजल्ट तक आपका साथ रहे, समझ में आया, ये नहीं कि एग्जाम दे दिए तब तक साथ है, रिजल्ट तक आपका साथ रहा। अर्थ ये है कि अगर आप एग्जाम दिए, अगर आप एग्जाम देकर के आए और उसके बाद कुछ लोचा हो गया तब भी हम हाथ पकड़ के आपके साथ खड़ा है, मतलब ये विश्वसनीय है। यही चीज क्या है यहां पर भी कि कौन सा रिलायबल कम्युनिकेशन में यूज होता है, TCP, IP, UDP या फिर सभी, TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल या फिर सभी। तो मैं आपको बता दूं कि जो TCP होता है सबसे विश्वसनीय होता है, और TCP IP एक ही साथ काम करता है, मुझे भी पता, आपको भी पता, पहले ही बताएं। लेकिन TCP का काम क्या है, ये पैकेट स्विचिंग पे काम करता है। पैकेट स्विचिंग कौन करता है, TCP ना IP, TCP या फिर IP, तो आप बोलिएगा TCP काम करता है, क्योंकि जो भी डाटा आप सेंड करते हैं सबसे पहले पैकेट्स में तोड़ने का काम किसका है ना, TCP का काम। तो ये विश्वसनीय या फिर रिलायबल कम्युनिकेशन आप बोल सकते हैं ना, क्योंकि आप जो डाटा को भेज रहे हैं सर्वर से होते हुए आपका रिसीवर तक जा रहा है, तो सर्वर में कोई बंदा अगर हैक करे तो आपका इंफॉर्मेशन पूरा पूरी पढ़ सकता है। तो TCP के वजह से जो है आपका डाटा वहां अलग अलग पार्ट्स में रहता है, वो लोग जो है इसको जोड़ने में बहुत समय लगता है। अगर उस बीच में आपको अगर पता चल जाता है कि आपका मोबाइल या सिस्टम हैक हुआ है तो आप उसको जो है रोक सकते हैं। तो जो विश्वसनीय चीज है वो TCP है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का अगर बात करें, IP तो पता ही है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का अगर बात करें तो ये नॉन रिलायबल है, इस बात को याद रखिएगा, विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस, कौन नेटवर्क डिवाइस नहीं है। ऑप्शन देखिए, गेटवे बिल्कुल है नेटवर्क डिवाइस, लिनक्स हमको तो नहीं लगता है, राउटर है, फायरवॉल, बोलिए ये तो सॉफ्टवेयर है सर, बिल्कुल, लेकिन एक नेटवर्क डिवाइस भी फायरवॉल हो सकता है। फायरवॉल सिर्फ और सिर्फ एंटीवायरस, दिमाग में मत लेके आ जाइएगा कि एंटीवायरस का मतलब ही क्या हो गया, फायरवॉल, फायर आते हुए फायर को रोक रहा है वॉल, है ना, वो वाला वॉल, तो फायरवॉल जो नेटवर्क डिवाइस नहीं बन सकता है। नेटवर्क डिवाइस बन सकता है, नेटवर्क डिवाइस का काम है एक नेटवर्क क्रिएट करना, तो फायरवॉल ऐसे भी फायरवॉल है, मानते हैं सॉफ्टवेयर है, मानते हैं सॉफ्टवेयर है, मुझे भी पता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, लेकिन फायरवॉल एक नेटवर्क डिवाइस का तरह काम करता है। कैसे डिस्कस करेंगे, जहां तक बात है लिनक्स का, तो लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है सर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी राउटर का काम, सॉरी राउटर बोल रहे हैं, कोई भी नेटवर्क डिवाइस का काम नहीं कर सकता। उसका काम ही अलग है कि आपके और मेरे बीच जो समन्वय स्थापित कर रहा है, आपका और कंप्यूटर के बीच में जो रिलेशन एक बिल्ड कर रहा है, उसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो लिनक्स करता है सर, ठीक है। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है सर, उसी तरह लिनक्स भी है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, पांचवा सवाल आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सॉफ्टवेयर, अभी पढ़े, राउटर, फायरवॉल, गेटवे, मॉडेम, मॉडेम तो हार्डवेयर डिवाइस है, गेटवे भी है, राउटर भी हार्डवेयर डिवाइस है, सॉफ्टवेयर कौन हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, मैंने अभी बताया आपको। तो फायरवॉल जो है सॉफ्टवेयर हो सकता है लेकिन एक नेटवर्क डिवाइस की तरह काम करता है, ठीक है। तो हम लोग जो है कुछ और सवाल को करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलेंगे, और इसका विशेष जो क्लास है, ये सब सवाल अगर आपको देखते हुए करना है तो आने वाले क्लासेस को आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप लोग कर पाएंगे, और इस तरह के स्टैंडर्ड सवाल को करने के लिए चैनल में बने रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट सवाल को करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट और सवाल को हम लोग करते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है आप लोगों से, इनक्रिप्टिंग फाइल्स, ठीक है। इनक्रिप्टिंग फाइल्स का मतलब क्या हुआ, इनक्रिप्टिंग डिक्रिप्टिंग हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इनक्रिप्टिंग डिक्रिप्टिंग हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वो होता है एक टॉपिक क्रिप्टोग्राफी,
ठीक है, उस क्रिप्टोग्राफी को डिटेल में पढ़ेंगे। ये शब्द जो है आप लोग देख पाते होंगे, व्हाट्सअप आप लोग सभी को यूज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, इनक्रिप्टेड लिखा हुआ रहता है ना, इनक्रिप्टेड जो भी मैसेज आप भेजते हैं अपने दोस्त मित्र भाई बंधु को, तो इनक्रिप्टेड मैसेज, इनक्रिप्टेड है ना, आप पढ़ सकते हैं। अब चूंकि आप भेज रहे हैं और जो जिस डिवाइस में भेज रहे हैं वो पढ़ सकता है, बीच में कोई नहीं पढ़ सकता है। तो इनक्रिप्टेड ये वर्ड जो है गोपनीयता को दर्शाता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनवांटेड मॉडिफिकेशन, टू चेंज देम, टू ट्रांसफर देम। तो इनक्रिप्शन शब्द क्या है, एक गोपनीयता को दर्शाता है, प्रोटेक्शन को दर्शाता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनवांटेड मॉडिफिकेशन, ये ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। और जहां तक बात है डिटेल में इसका, इनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग के बारे में हम लोग ने बताया कि क्रिप्टोग्राफी टॉपिक है, क्या है, क्रिप्टोग्राफी। ये हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी के बारे में डिटेल में वहां पे, क्योंकि एमसीक्यू सेशन है तो एमसीक्यू में हम लोग टॉपिक को नहीं लाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे लाके, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इंटू एन इक्विवेलेंट चीपर, इस बात को याद रखिएगा, क्या बोले, चीपर का मतलब होता है छोटा छोटा पार्ट में, यूजिंग स्पेसिफिक कोड इज, क्या बोला जा रहा है, द मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म है ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इंटू इक्विवेलेंट चीपर, मतलब जो डाटा को आप भेज रहे हैं ना वो छोटे छोटे भाग में, चीपर में क्या कर रहा है, डाटा को तोड़ रहा है, यूजिंग स्पेसिफिक कोड इज कोडिंग, इनकोडिंग, असेंबलिंग ऑल, ठीक है। क्या बोला, कोडिंग, इनकोडिंग, असेंबलिंग या फिर ऑल, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। कोडिंग करके आप किसी चीज को तोड़ सकते हैं, इनकोडिंग करके या फिर असेंबलिंग या फिर ऑल, तो कोडिंग करके तो तोड़ते ही हैं पता है, लेकिन उसका स्पेशल नाम जो है यहां दिया हुआ है इनकोडिंग, तो हम कोडिंग में क्यों जाएंगे, इनकोडिंग इज अ टाइप ऑफ कोडिंग, कोडिंग करके ही इनकोडिंग डिकोडिंग होता है, मुझे भी पता है आपको भी पता है, कोडिंग से ही निकल के आता है इनकोडिंग, लेकिन जब स्पेशल वर्ड दिया हुआ है इनकोडिंग, तो इनकोडिंग को हम लोग टिक करेंगे, ज्यादा स्पेसिफिक बात हो जाएगी इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है कि एक मैकेनिज्म है जिसमें डाटा को क्या किया जा सकता है, छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ सकते हैं। मैंने डिस्कस किया कि टीसीपी क्या काम करती है ना, टीसीपी करती है सर कि जो डाटा को हम लोग, इन्फॉर्मेशन को हम लोग भेजते हैं वो पैकेट स्विचिंग का काम करता है, वो जो पैकेट स्विचिंग ऑटोमेटिक हो जाता है क्या विदाउट एनी कोडिंग, तो हर चीज में कोडिंग है ना बस, तो ये वो जो मैकेनिज्म है उसको क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। ये चीज भी हम लोग कवर अप कर लेंगे, क्रिप्टोग्राफी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। द स्टैंडर्ड मॉडल्स टू कैटेगराइज डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विसेस, क्या बोला, द स्टैंडर्ड मॉडल्स, कुछ मॉडल्स बना हुआ है स्टैंडर्ड, टू कैटेगराइज, कैटेगराइज करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, कैटेगराइज डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विसेस डिलीवर्ड थ्रू क्लाउड। अच्छा सर, आप क्लाउड में इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, आप यहां पे हैं, आपका सिस्टम यहां पे है सर, आप जिसको भेज रहे हैं यहां पे है सर, ठीक है, कैसे हवा में ही जाता है ना, आप इंफॉर्मेशन को भेजते हैं सर्वर में जाता है, ठीक है, सर्वर में जाने के बाद ये डिसाइड करता है किसको भेजे हैं, उसके बाद आपके पास जाता है, ऐसे होता है। क्या बोल रहा है, द स्टैंडर्ड मॉडल, ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड मॉडल है जो क्या करता है, कैटेगराइज करता है कि डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विसेज डिलीवर्ड थ्रू क्लाउड, लिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS, पास बोलिए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS, SaaS बोलिए, या फिर सभी, कौन सा ऐसा मॉडल है, स्टैंडर्ड मॉडल है जिसके द्वारा जो है हम लोग कोई डाटा को एक जब हम लोग सेंड करते हैं तो ये कैटेगराइज करता है, क्या करता है, कैटेगराइज करता है कि डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विस, कंप्यूटिंग सर्विस में भी कई सारे कंप्यूटिंग सर्विसेज है, यहाँ पे जो बात है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का है, क्या है, क्योंकि आप क्लाउड से होकर के क्या कर रहे हैं, डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का आप पार्ट हैं, इस बात को जानिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सर क्या होता है ना, IaaS, PaaS और SaaS तीनों होती है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑल ABC, इस बात को याद रखिएगा। हम लोग एक टॉपिक लाएंगे जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, सिर्फ टॉपिक का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें ये सब बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको टिक करके रखिए। इन 1960 इनकोडिंग स्कीम, ठीक है, इनकोडिंग स्कीम डैश वॉज डेवलप्ड फॉर स्टैंडर्ड
स्टैंडर्डिंग, नहीं स्टैंडर्डाइजिंग जो भी बोले, स्टैंडर्डिंग द कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड आया। आपको भी पता है एक इनकोडिंग स्कीम आया, मतलब कोड आया, एक इनकोडिंग स्कीम आया 1960 में, उसे क्या कहा जाता है, कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट करना, नंबर्स में, मैंने आपको पढ़ाया है, मेमोरी में पढ़ाए हैं। अगर मेमोरी चैप्टर को आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी इसका सवाल का जवाब आप दे पाइएगा। तो इनकोडिंग स्कीम कौन सा है, ऑप्शन है ASCII, स्वीडो कोड है ना, उसके बाद ASCII ऑल। इनकोडिंग स्कीम डैश वॉज डेवलप्ड फॉर स्टैंडर्डिंग द कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कोई कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर होता है उसका एक प्रोसेस है, उसका एक सिस्टम है, वो सिस्टम को क्या कहते हैं, वो सिस्टम को कहते हैं ASCII। हम लोगों ने ASCII कोड के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम मेमोरी यूनिट्स बोल करके सर्च कीजिएगा या प्लेलिस्ट में जाइए, मेमोरी यूनिट्स की एक सीरीज है, उसमें आप लोग को मिलेगा। तो ये क्या है ASCII, ठीक है। अब ASCII का फुल फॉर्म क्या है, ASCII स्टैंड्स फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग के लिए है, 10 नंबर का जो सवाल है ये आप लोग के लिए है। ASCII का फुल फॉर्म क्या है, मैं खुद पढ़ाया हुआ हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं आप लोग से सिर्फ पूछता रहता हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ कुछ, तो ये पढ़ाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो अच्छा बात है, आंसर दीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं बार बार घूम घूम के आएगी, चाहे आप कोई भी चैप्टर को पढ़ेंगे ये सब घूम घूम के आएगा। इंटरनेट में भी ASCII का काम है, मैं डिस्कस करूंगा, तो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा आप लोगों के पास। ये MCQ का सेशन था और इसके बाद हम लोग जो है कुछ टॉपिक्स को लेकर के आएंगे, MCQ भी चलेगा आप लोगों का। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।